Now we discuss about the graphs of a straight line. एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वो y इक्वल टू mx plus c फॉर्म में लिखी जाती है देयर m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट सो इट इज आल्सो नोन एज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों होगी क्योंकि यहां पे y और x के अंदर जो डिग्री है वेरिएबल की वो 1 है और डिग्री 1 की जो वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है वो एक लीनियर इक्वेशन होती है क्योंकि यहां इसकी डिग्री 1 है तो ये ग्राफ ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो यहां पे हमारे पास जो m टर्म है वो तो आपके पास स्लोप को इंडिकेट कर रही है और c इज द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस बाय द ग्राफ तो स्लोप को तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि m से लिखते हैं और वो टेंजेंट थीटा से इंडिकेट किया जाता है और अगर आपके पास थीटा स्मॉल हो थीटा वेरी स्मॉल तो टेंजेंट थीटा को हम एप्रोक्सीमेट कर देते थे थीटा से तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप को डायरेक्ट इंटरवेंशन हो सकता है एंगल से पता कर सकते हैं तो अगर मान लीजिए पहली बात तो ये कि ये एंगल अगर 90 डिग्री से कम है मींस एक्यूट एंगल है तो इसके लिए जब ये लेस देन 90 वैल्यूज सब्स्टिट्यूट होगी टेंजेंट थीटा में स्लोप निकालने के लिए तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगी तो जो उसकी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव स्लोप आएगी मींस एक्यूट एंगल means positive slope, obtuse angle means negative slope. तो यहाँ हमारे पास if theta greater than 90 degree means obtuse angle, तो slope है वो negative आएगा. अब हम कुछ general type के इस equation के variations को discuss करना चाहते हैं one by one with example which are applied into the फिजिक्स के अंदर क्या यूज किस तरह से यूज होगा वो भी हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे तो मैं कोई एक जनरल सा वेरिएशन ड्रा करना चाहता हूं ऑफ लीनियर रिलेशनशिप तो मैंने एक ये स्ट्रेट लाइन ले ली एक इसके पैरेलली ये दूसरी स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन में ये ले ली ऑब्वियसली क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो इनकी जो स्लोप्स है वो सेम होगी और क्योंकि यहां स्लोप सभी केसेस में लेस देन 90 डिग्री इसका मतलब इनकी स्लोप सभी केस में कैसी है पॉजिटिव है मींस यहां फर्स्ट कह दूं इसको सेकंड कह दूं इसको थर्ड कह दूं तो यहां पे इसकी स्लोप है वो पॉजिटिव है यहां भी इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है इसकी भी स्लोप पॉजिटिव है ठीक है अब बात आती है कि इसके इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस के कर्व कहां कहां इंटरसेप्ट करे तो ये फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इंटरसेप्ट कर रहा है यहां इस पॉइंट के ऊपर और ये आप देख रहे हो कि ये जो सी है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए सी कैसा है पॉजिटिव जबकि सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं तो ये पास हो रहा है ओरिजिन से तो इसकी जो इंटरसेप्ट है वो जीरो है और ये वाली जो थर्ड ग्राफ की बात करें तो यहां स्लोप तो पॉजिटिव है क्योंकि सभी केस में पॉजिटिव थी और यहां जो ये इंटरसेप्ट है ये इंटरसेप्ट देखिए कि नेगेटिव एक्सिस पे है y के तो इसका मतलब यहां पे जो इसकी इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है इसकी पॉजिटिव इसकी जीरो इसकी नेगेटिव तो यदि हम इनकी इक्वेशन बनाना चाहें तीनों की साइमल्टेनियसली एक साथ दिखाना चाहें तो यहां पे m भी पॉजिटिव c भी पॉजिटिव तो जो इक्वेशन बनेगी वो होगी y इक्वल टू mx प्लस c इसका मतलब ये होगा कि अगर दोनों चीजें पॉजिटिव होगी तो वो ग्राफ इस तरह का आएगा सेकंड में जब पुट करें हमारे पास m तो पॉजिटिव है साथ में c जीरो है तो c अगर जीरो होगा तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू mx इसका मतलब ये होगा कि जो भी वेरिएशन आएगा y का वो x के m टाइम्स होगा 2 है तो दुगना होगा 3 है तो तिगुना होगा इस तरीके से इस केस की बात करें m पॉजिटिव और c नेगेटिव तो यहां पे जो इक्वेशन बनेगी वो होगी y is equal to mx or minus c इन तीनों के 1 by 1 हम एग्जांपल लेते हुए फिजिक्स में कैसे अप्लाई होगी वो हम वेरिएशन स्टडी करेंगे लेकिन उससे पहले मेरे पास दो और वेरिएशन देखना चाहते हैं एक तो ये y एक्सिस ये एक्सिस ये ओरिजिन हमारे पास और ग्राफ अगर इस तरह का हो नेगेटिव स्लोप का क्योंकि आप देख रहे हो कि
ये n वाले लेटर की जो हमने बताई थी उस तरीके से देख लीजिए, या फिर इसका जो एंगल है देख लीजिए, यहां पे ऑब्ट्यूस आ रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये इसकी n नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग स्लोप है। और इसका जो इंटरसेप्ट है वो c, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से लिखी जाएगी, m तो आपके पास नेगेटिव मींस माइनस m x, और इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव प्लस c, माइनस m x प्लस c, इस तरह की भी हमारे पास इक्वेशन फिजिक्स में ग्राफ डील होते हैं। नेक्स्ट है कि यदि हमारे पास सपोज इस टाइप की बात कर रहा था तो c जीरो है बट स्लोप कैसी है, नेगेटिव स्लोप है, ये देख सकते हैं आप, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो स्लोप इज नेगेटिव, तो इसकी जो इक्वेशन है वो बनेगी y इज इक्वल टू माइनस mx। सो लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन, पहले हम ये ले लेंगे केस, फिर ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं, और फिर ये ले लेते हैं, और ये देखते हैं कि ये इस तरह की फॉर्मेट अगर जनरेट हो जाती है तो वो इस तरह के जो फॉर्मेट्स है वो इस तरह के रेस्पेक्टिव ग्राफ देंगे और उनके हम स्लोप निकाल लेंगे या एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे ताकि फिजिकल सिग्निफिकेंस हम फिजिक्स की यूज कर सके। तो चलिए पहला टाइप का हम केस देखते हैं। पहले टाइप के केस में हमने देखा कि यहां हमारे पास स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ये आपके पास x एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये ग्राफ इस तरह का, यहां पे आपके पास स्लोप भी पॉजिटिव क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री, स्लोप भी पॉजिटिव, और जो ये इंटरसेप्ट है यहां ये भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, तो जो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब इस फॉर्मेट को सेट करते हुए अगर आपके पास कोई फिजिकल रिलेशन आ गया तो उसका ग्राफ आप डायरेक्टली इस तरह का बना सकते हो, मींस इस टाइप का, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं जो हमारे फिजिक्स में भी डील करते हैं, हम नाइन्थ क्लास से एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, बताइए क्या होती है, वो होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पे u तो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, a हमारा होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और v होता है फाइनल वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं इसको, अगेन फिर दोबारा 11th में डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट में, vt रिलेशनशिप, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यदि हम यहां देखें कि ग्राफ वेलोसिटीज के और टाइम के बीच में ड्रा किया जाए, मींस वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप ड्रा की जाए, तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, ए टी प्लस यू, क्योंकि रिलेशन लेना हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो वेलोसिटी को ले लेते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग और टाइम को ले लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स के साथ जो टर्म होती है वो हम कहते हैं स्लोप, तो इसका मतलब यहां पे हमारी जो स्लोप है वो किसको इंडिकेट कर रही है, एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रही है, और ये यू जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सॉरी इंटरसेप्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहां पे हमारे पास स्लोप तो होगी एम जो है वो एक्सेलरेशन को बताएगी, और जो इंटरसेप्ट है ऑन वाई एक्सिस वो इस इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, यू को इस इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब अगर ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन y = mx + c को सेटिस्फाई कर लिए, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है बिल्कुल इस तरह की इक्वेशन होगा, इस तरह की ग्राफ होगा, इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन की जो इंक्लिनेशन है स्लोप वो एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगी, लार्जर इज द स्लोप मोर विल बी द एक्सेलरेशन, स्मॉलर इज द स्लोप लेसर विल बी द एक्सेलरेशन, और जो उसका इंटरसेप्ट आएगा एक्सिस के ऊपर वो इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट करेगी कि इस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। चलिए मान लीजिए इस तरह का अगर ग्राफ आपको ड्रा करना पड़ जाए, आपको एक एक वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप ड्रा करो, तो वो इधर एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेंगे, इधर की तरफ टाइम, ये हुआ ओरिजिन,
ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे वो पॉजिटिव है और कितना u है, तो सपोज 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, तो जो भी इंटरसेप्ट है वो हो गया सपोज u। उसके बाद इसकी जो स्लोप है वो किसको इंडिकेट करेगी, एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगी, और जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस विद पॉजिटिव स्लोप। कैसी स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, आप देख सकते हो आपके पास लेस देन 90 डिग्री। अब बात ये आती है कि ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप हो गया, तो इस वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप से हम क्या फिजिकली निकाल सकते हैं, क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, क्योंकि हम जनरली स्लोप की और एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, तो यहाँ स्लोप है किसकी, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप की। तो इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट बन गया, वो नोट क्या है, वो नोट ये हुआ कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू द एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन के बराबर होगी। इसका मतलब यदि आपके पास कहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करके दे रखा है और उसकी स्लोप आप अगर निकाल सकते हैं तो वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल के तौर के ऊपर डिस्कस करता हूं, सपोज कोई दो ऑब्जेक्ट है वो सेम इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं और वो डिफरेंट रेट से एक्सेलरेट करते हैं। एक ही मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया ए और एक ऑब्जेक्ट हो गया बी, की आपके पास वेलोसिटी एक्सिस और ये आपके पास टाइम एक्सिस, ठीक है, और वो आपको ये कहे कि फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ ए एंड बी, फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ ए एंड बी, या ये कहे कि एक्सेलरेशंस का रेशियो, मींस ए के एक्सेलरेशन का रेशियो टू द एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये फाइंड आउट। तो आपको क्योंकि ये ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि स्लोप कैसे निकलती है, वर्टिकल एक्सिस टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस तो वेलोसिटी एक्सिस है और टी क्या है, टाइम एक्सिस, क्या वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस वेलोसिटी का चेंज, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, वो आपके पास पहले से जानते हैं एक्सेलरेशन, तो इसकी स्लोप से निकल सकता है। और अगर आपको यहां पे ये मेंशन है कि ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है और ये वाला एंगल आपके पास 45 डिग्री है ए का, तो इसका मतलब क्योंकि हमें ये पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, सॉरी बी की ग्राफ, और स्लोप किससे निकलती है, टेंजेंट थीटा से, तो इसका मतलब ए का एक्सेलरेशन निकालना हो तो टेंजेंट थीटा है और बी का निकालना हो तो टेंजेंट ऑफ थीटा भी। तो सपोज यहां पे हुआ हम ए की बात करें तो ए का एंगल 30 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 30, तो टेंजेंट ऑफ 30 तो 1/√3 हो गया, और हमें निकालना है टेंजेंट ऑफ थीटा भी, और बी का एंगल हमारे पास कितना बना रखा है 45 डिग्री, तो टेंजेंट ऑफ 45, और आपको टेंजेंट ऑफ 45 कितना है 1। यदि अगर आपको ये वैल्यूज टेबल आपको पहले से पता है, 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए होंगे, तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे तब भी आएंगे। तो अब अगर एक्सेलरेशन ए की और बी का रेशियो निकालना चाहो तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये 1/√3 और डिवाइड बाय 1, तो 1/√3 मींस 1:3। ये आप एस्टिमेशन ले सकते हो कि किसका एक्सेलरेशन कम होगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, या आइडिया भी ले सकते हो। तो ये बात तो थी किसकी, स्लोप से रिलेटेड। जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट ये बताएगा कि उस ग्राफ की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो इसका मतलब अगर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया था तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको बता रही है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप, स्लोप मींस गिवन बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये चीज ध्यान रख लो, समझ जाएगा, कोई डाउट है तो आप दोबारा व्हाट्सएप। अब हम दूसरे टाइप जो ग्राफ की थी वो लेते हैं, जिसमें कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही थी। यहां हमने देखा था इस केस के अंदर जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री, तो इसकी जो स्लोप है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री पॉजिटिव, ठीक। और जो इंटरसेप्ट की बात आती है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा था, इसका जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे कट करा तो मींस वाई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो इंटरसेप्ट है वो भी 0 है। तो अगर इसके इस इक्वेशन के अंदर अगर पुट करते हैं वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सी के अंदर, तो सी तो 0 है और स्लोप पॉजिटिव है, तो जो इक्वेशन बनी वो वाई इज इक्वल टू एमएक्स टाइप की बन जाती है। बात आती है कि इस तरह की जो लीनियर वेरिएशन की इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन से पास आ रही हो उसके फिजिकल एग्जांपल की, तो आपने पढ़ा है 10th क्लास में ओम्स लॉ के बारे में,
ओम्स लॉ में हम कहते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। अगर मान लीजिए सपोज ये हमारे पास कोई रेजिस्टर है से वैल्यू आर का और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, आई के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसको हम चेंज करके और वी प्रोपोर्शनल टू आई लिख देते थे बेस्ड अपॉन काज इफेक्ट एनालॉजी। इसके बजाय हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए कोई कांस्टेंट डालना पड़ता है, वो कांस्टेंट हम डाल देते सपोज जी और ये हो गया वी, जबकि जी आपके पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं और कंडक्टेंस आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर जी को यहाँ ये पुट करें तो आई इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा वी बाय आर और यू कैन से वी इज इक्वल टू आई आर जो कि आपके पास ओम्स लॉ की इक्वेशन मानी जाती है। इसका मतलब यदि या तो हम ये वाला ग्राफ प्लॉट करें या ये वाला, दोनों हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो पहले अगर सपोज हम ग्राफ लेते हैं ये वाला आई और वी के बीच में आई वी, तो यहां से इस आई इज इक्वल टू जी वी इक्वेशन को अगर कंपेयर करें ये वाली एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, तो ये एम स्लोप जो है वो आपको एक तरह से कंडक्टेंस को बता रही है, स्लोप बता रही है कंडक्टेंस को, कंडक्टेंस को मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को। तो इसका मतलब यहां अगर ये जो ग्राफ आएगा इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को बताएगी। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये हो गया कि स्लोप ऑफ विच कर्व आई वी कर्व इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू वन ओवर ये आर इधर क्रॉस कर देंगे और ये तो नीचे आ जाएगी स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। तो अगर किसी आई वी ग्राफ से मैं कह रहा हूं आई वी वी आई बाद में लेंगे, पहले आई वी की बात कर रहे हैं, तो आई वी ग्राफ की जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस होगा। मींस अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लिया मैंने कि दो आपके पास रजिस्टर थे, एक मैंने कह दिया रजिस्टर एक्स और एक दूसरा रजिस्टर कह दिया उसे वाई और उनको हमने ओम्स लॉ के सेटअप के अंदर सेट किया और सेट करने के बाद हमने ग्राफिकल वेरिएशन ड्रा किया तो वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि इस ग्राफ की स्लोप कम है और इस ग्राफ की स्लोप ज्यादा है और जिसकी स्लोप क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएशन हो गया सॉरी इनवर्स वेरिएशन होगा स्लोप का कि स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा या फिर स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पे इसकी स्लोप कम है और इसकी स्लोप ज्यादा, तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, आर एक्स कम हो जाएगा आर वाई से, तो इससे हम रेजिस्टेंस का आइडिया भी ले सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं ये वाला ग्राफ लेता v is equal to IR equation से, means हम IV ग्राफ की बजाय हम सीधा ग्राफ ड्रा कर दें VI का, तो ये y एक्सिस के लंब इसको हमने ऐसे लिख दिया थोड़ा v is equal to R into I, ये हो गया आपका y एक्सिस के लंब, ये हो गया आपके पास x एक्सिस के लंब। तो इसका मतलब स्लोप डायरेक्टली VI ग्राफ की स्लोप डायरेक्टली किसको बता रही है R को। इसका मतलब अगर आपके पास ये रजिस्टर हो गए R1 और ये रजिस्टर हो गया R2, तो यहाँ पे जो स्लोप है स्लोप ऑफ VI ग्राफ मींस V बटे L कि यहाँ पे आप देख रहे हो इस रिलेशन से हमारे पास R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है रेशियो ऑफ करंट टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि VI ग्राफ लेंगे तो डायरेक्टली R आएगा और अगर IV ग्राफ लेंगे तो IV ग्राफ में क्या होगा I अपॉन V आएगा स्लोप, तो और आई अपॉन वी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ आर का, रेसिप्रोकल ऑफ आर, आर निकालने के लिए हमें स्लोप का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा अगर आई वी ग्राफ है। और अगर वी आई ग्राफ है तो हमें क्या करते हैं डायरेक्टली स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ये किसके बराबर आ जाएगी रेजिस्टेंस के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी स्लोप ज्यादा है और इसकी स्लोप कम है, तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ये होगा कम, मींस आर वन ग्रेटर देन आर टू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इस केस के अंदर भी हम इस वाली फॉर्मेट को y is equal to mx को हम यूज कर सकते हैं, तो y is equal to mx है ये आपके पास स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी। इसके अलावा जो कैपेसिटेंस के रिलेशन पढ़ेंगे हम 12th के अंदर उसके अंदर भी ऐसा ही आएगा, q is equal to c की जो रिलेशन लेंगे उसके अंदर भी ऐसा ही हम सेट कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं थर्ड फॉर्मेट की।
थर्ड फॉर्मेट आपका कौन सा था जिसके अंदर स्लोप तो पॉजिटिव थी बट इंटरसेप्ट नेगेटिव था। इस तरह की जो फिजिक्स में प्रॉब्लम वो आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर आएगी। स्पेसिफिकली एक तो ग्राफ इंपॉर्टेंट टाइप के हैं जो कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर आपके पास आए, उसको हम डील कर लेते हैं। तीसरी फॉर्मेट थी ये वाली, यहां जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव, यहां ये एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को दिखा रहा है नेगेटिव। यहां पे भी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास और स्लोप कैसी है, लेस देन 90 डिग्री एंगल है तो स्लोप हमारे पास कैसी पॉजिटिव। ठीक है, इसका आंसर इसका जो इक्वेशन बना वो बन गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एम तो पॉजिटिव और सी कैसा है नेगेटिव, एम एक्स माइनस सी। हम इसमें एक जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे हम उस प्रॉब्लम को ले रहे हैं क्योंकि हमें वो 12th क्लास के अंदर स्टडी करना पड़ेगा, मेरे पास फिजिक्स हमने पढ़ाई नहीं है तो इसलिए उस पर ज़्यादा बटन लेने की जरूरत नहीं है। बस जस्ट केवल ये लेना है कि फॉर्मेट हमारे पास स्लोप क्या बताती है, इंटरसेप्ट क्या बताती है, क्या चीज़ कहाँ से कैलकुलेट हो सकती है फिजिकली। जैसे कि हमारे पास एक 12th क्लास के अंदर एक इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये होता है कि भाई जैसे सपोज ये कोई मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर कोई हाई एनर्जेटिक बीम अगर हमने डाली किसी एनर्जी एच न्यू की सपोज 50 न्यूटन की, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगी तो उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर लाने के लिए कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी जिसको हम गॉड फंक्शन बोलते हैं, और बाकी जो एनर्जी बच गई इसको बाहर लाने के बाद वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाती है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जो टोटल एनर्जी थी उसमें से वर्क फंक्शन को हटाने के बाद आएगी। इसका मतलब ये होगा कि टोटल एनर्जी इन दो पार्ट के अंदर, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर हुआ। इसका मतलब इसको अगर निकालना चाहें तो इसमें से ये घटा सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइन होगा। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी को ले लें वाई एक्सिस कह लो, और काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रा करें, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ये एक्स ले लें तो एम बन जाएगा आपका एच और ये हो गया माइनस फाइन ऑफ फिर सी को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहां से इस अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैं ई के लिख देता हूं और इधर की तरफ इस एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी, और इसी इक्वेशन से लेना चाहूंगा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो वो ग्राफ कैसे लेगा नेगेटिव इंटरसेप्ट लेगा कितना माइनस फाइन हो ये नेगेटिव इंटरसेप्ट, और इस तरह का ग्राफ आया ये ग्राफ। अब इस ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको बराबर ये बताइए स्लोप है वो आपके पास किसको इंडिकेट करेगी एच को, जिसको हम बाद में कहेंगे कि क्या विच इज लैंग्स कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लैंग्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी हो अदर देन द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के अलावा तो हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। तो कौन सा ग्राफ अगर लेंथ कांस्टेंट निकालना हो तो वो सीधा किससे निकल जाए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और इंटरसेप्ट है वो किसको बताता है, इसको ये हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम वर्क फंक्शन कहेंगे, जितनी एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाउंड था तो उसको फ्री करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए थी डेफिनेट, दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी है वो वर्क फंक्शन कराता है 5 वोल्ट। तो इसका मतलब जो इंटरसेप्ट है वो किसको बताएगा नेगेटिव सॉरी वर्क फंक्शन को बताएगा 5 वोल्ट को, माइनस सी इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट का वर्क फंक्शन आता है। तो ये दो चीजें हम फिजिकली इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसकी फॉर्मेट और बढ़ जाती है कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैं अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं चाह रहा था पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ही ग्राफ होगा तो उसमें ई वी नॉट लिखेंगे हम इसको, अगर मान लो इसको हम लिखे काइनेटिक एनर्जी का बाद में हम देखेंगे ज्यादा बर्डन आप लेना, ई वी नॉट लिख सकते हैं ई वी लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल पर क्या काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो ई वी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 वोल्ट। तो अगर वी लिखना चाहें तो ये ई इसके बटे में भी जाएगा इसके बटे में भी, तो एच बाई वी और न्यू और माइनस 5 वोल्ट बाई E. तो उसके केस में जो स्लोप है वो h by e हो जाएगी, ग्राफ बिल्कुल सेम यहाँ v होगा या न्यू होगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाइव नोट बाई ई, और जो स्लोप है वो h by e को इंडिकेट करेगी। तो स्लोप h by e को बताएगी, तो h अगर निकालना हो तो कितना आ जाएगा m times e means slope of potential versus frequency curve into e, इससे भी निकल जाएगा।
आपके पास इस तरह की 12th में यूज होगी, आपको 11th में ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि y = mx - c होगी, टाइम तो पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव रखना, ऊपर की तरफ इंटरसेप्ट काटना y एक्सिस पे नीचे की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फोर्थ टाइप की इक्वेशन है उसकी। फोर्थ टाइप की इक्वेशन के अंदर हमने क्या था कि स्लोप नेगेटिव, यहां पे तीनों किसी संख्या के लिए स्लोप पॉजिटिव दी गई, कि अब स्लोप नेगेटिव ले ये वाला दिया था, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट तो आपके पास पॉजिटिव है, तो यहां स्लोप कैसी है, क्योंकि ये एंगल देखिए कैसा है, ऑब्ल्यूस एंगल बढ़ा रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप कैसी है, नेगेटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट कैसा है, वो पॉजिटिव है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो बनेगी y is equal to m बताइए कैसा है, नेगेटिव माइनस m, और साथ में क्या x, और जो इंटरसेप्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव माइनस एम एक्स प्लस c का। अब इसकी अगर हम बात करें कि इसकी इक्वेशन को हम किसी फिजिकल इफेक्ट से या फिजिकल प्रॉब्लम से अगर डिस्क्राइब करना चाहें, तो हम यूं मान लेते हैं सपोज कि कोई बॉडी है और उसको कोई बॉडी है एम मास की, और इसको हम किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो कर देते हैं, और कुछ टाइम के बाद क्योंकि ये ग्रेविटी को डाउनवर्ड एक्ट करती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, और अलग अलग टाइम इंस्टेंट के पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और हाईएस्ट टाइम पे जाकर के वी जीरो भी हो जाएगा, और ये किसी टाइम टी के ऊपर वेलोसिटी वो वी होगी, तो उसका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन और वी इज इक्वल टू यू प्लस ए की होता है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मोशन लिखा रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू कैसी है, माइनस जी, सो माइनस जी टी और इक्वल टू यू, तो वी इज इक्वल टू, इसको इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस जी टी और प्लस यू। तो यहाँ पे अगर ग्राफ हम देखें किसके बीच में वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग और टाइम किसके लिए अलोंग ले ले एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये आपके पास एम हो गया और ये हो गया आपके पास सी, सॉरी, तो स्लोप जो है आपकी वो कैसी है, नेगेटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ इस तरह का है, इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस तरह का होगा, मींस यहां ग्राफ आपके पास वेलोसिटी और टाइम y एक्सिस, x एक्सिस मींस वेलोसिटी, y एक्सिस मींस वेलोसिटी, x एक्सिस मींस टाइम एक्सिस, सो टाइम एक्सिस इज द वेलोसिटी एक्सिस, तो बॉडी जब हाइट पे जाती जाएगी तो इसकी वेलोसिटी अंडर एक्शन ऑफ अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी विद टाइम, और फाइनली इसी हाइट पे जाकर डिक्रीज होगी, और अगर दोबारा से मोशन नीचे डाउनवर्ड मोशन की बात करें यहां पर वेलोसिटी स्टैंड के जीरो, इसके बाद अगर बात करना चाहती है फिर फर्दर डायरेक्शन भी रिवर्स हो सकती है, ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह की मोशन का होगा। अब लास्ट आपके पास जब हम बात कर रहे थे कि स्लोप नेगेटिव बट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो वो वाला केस और हम दे देते हैं, वेलोसिटी तो लास्ट हम केस ये दे रहे हैं कि और y is equal to minus mx की बात कर रहे हैं, means intercept 0, passing through is fine, तो slope negative means 0, ये और क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये जो angle हो गया more than 90 degree, तो slope will be negative, means y is equal to minus mx। तो इसका केस एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख रहे थे कि हम जानते हैं कि जो स्प्रिंग होती है इलास्टिक स्प्रिंग, उसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाती है, उसके बाद अगर इस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाए तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर देती है। तो हमने ये एक फिक्स सपोर्ट ले ली और इससे कोई एक स्प्रिंग ये ले, अब इस स्प्रिंग को हम किसी डिफॉर्मिंग फोर्स
लगा करके इसको यहाँ पे x इक्वल टू जीरो ओरिजिनल पोजीशन थी और हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं बाय सर्टेन अमाउंट से x इक्वल टू x, मींस आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया वो x हुआ अंडर द एक्शन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स F अप्लाइड। अब एक इंस्टेंस के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं स्टैंड के लिए कि हमने एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो हमने स्प्रिंग को इलास्टिक स्प्रिंग कहा है सो इट विल रिगेन अप टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये आपके पास रिगेन करेगी, ये रिगेन करेगी मींस इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर हमने सपोज डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा लगाया, ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है या कंप्रेशन आया है, एक्सटेंशन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो एक्सटेंशन अगर ज्यादा हुआ है तो उसको रिस्टोर भी ज्यादा करना पड़ेगा, एक्सटेंशन अगर कम हुआ तो रिस्टोर भी कम करना पड़ेगा। इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस एक्सटेंशन के ऊपर डिपेंड एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा बट जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। सो इट मीन्स दैट वी कैन राइट एफ रिस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वलिटी में बदले तो एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू इक्वेशन डाल देते हैं माइनस एक्स तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन होगी और ये इस तरह की इक्वेशन आपके पास आएगी। ये आपके पास वाई हो गया अगर एफ और एक्स के बीच में एफ एक्सिस ये एक्स एक्सिस ये और जिनसे पास हो रही है ये हो गया वाई एक्सिस ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो यहाँ पे जो एम है वो किसको इंडिकेट कर रहा है ये हम अब लेटर ऑन फिजिक्स में पढ़ेंगे जाकर के। इस स्प्रिंग का इसको हम स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कह देते हैं। तो के आपके पास होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर, तो स्प्रिंग फैक्टर इसके स्लोप से निकल सकता है, वो स्लोप आपके पास आ जाएगी n इक्वल टू k f और by x दैट इज इक्वल टू k रिस्टोरिंग फोर्स। तो ओवरऑल हम देखें तो हमने मोस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने देख लिए, हमने देखा कि कहीं जाकर के स्लोप पॉजिटिव रहती है, कहीं नेगेटिव हो जाती है, कभी जीरो हो जाती है और कभी इनफाइनाइट स्लोप। तो ओवरऑल अगर हम ये बात कहना चाहें कि एक ग्राफ के अंदर सभी चीजें आपने स्टडी की, स्लोप की बात करी, इंटरसेप्ट की बात करी, उनके एग्जांपल्स की बात करी, तो जनरली आपने इस तरह के ग्राफ डिस्कस किए थे, ग्राफ ऑफ पॉजिटिव स्लोप, ग्राफ ऑफ नेगेटिव स्लोप, अगर मैं कोई ग्राफ ले लूं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये आपके पास ग्राफ ऑफ जीरो स्लोप, और अगर मान लीजिए सपोज मैंने कोई ग्राफ ले लिया ये आई वाला इंडिपेंडेंट इंडेफिनिट का आई लेते तो इसमें यूनाइटली एंगल बना तो इसकी स्लोप होगी इनफाइनाइट। तो ये कुछ डिस्कशन था रिगार्डिंग द ग्राफ्स। तो हम स्लोप के बारे में, इंटरसेप्ट के बारे में और एरिया अंडर द कर्व के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, ये हमारा इंटरेस्ट रहता है रिलेटेड टू द ग्राफ। बाकी चीज़ें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।